कैसे करूं मैं ये सब अरेंज? ओह माय गॉड, ओ नो, इतने सारे, ओह माय गॉड, क्या करूं? हे साइनीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ कि आप अगर कहीं जा रहे हो या फिर कहीं डेस्टिनेशन वेडिंग है ये, या फिर आपकी चाची की बहन की बेटी या फिर दीदी की किसी की भी शादी हो, तो आप ये हैक यूज कर सकते हो उसमें। एंड आज मैं आप लोग कैसे आप सबको अरेंज कर सकते हो, कैसे आप अपने जगह बचाकर और बहुत ही लाइट वेट कर सकते हो, तो वो सब मैं आज आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में सारी चीज़ें। तो चलो जल्दी से मैं आप लोगों को सारी हैक्स दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है सारी मेरी लिस्ट की हुई चीज़ें, चलो मैं दिखा देती हूँ आप। तो ये देखो साइनीज, कितनी सारी ये चीज़ें, इतनी बड़ी लिस्ट बन गई। अरे बाप रे, यहाँ पर कुछ और भी लिखना बाकी है। एंड आप अगर लिस्ट करके सारी चीज़ों को सरियाते हो, मतलब कि अरेंज करते हो, तो आपकी आप कोई भी चीज़ भूलोगे नहीं। तो आपकी जितनी सारी नेसेसरी वाली चीज़ें हैं, ऑर्नामेंट जैसे कि एंड मेकअप की सामान, कॉस्मेटिक्स, तो आप उसको ये इस दोनों टाइप की, मतलब कि एक जो थैला टाइप का आता है ना और एक पन्नी जो प्लास्टिक की, तो इस दोनों में आप डिवाइड करके ले सकते हो। इससे चीज़ों, इससे सारी सामान ठीक से रहेगी एंड टूटने का भी कोई चांस नहीं रहता है एंड अच्छे से रहती है। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। एंड इस टाइप की चीज़ें जो लिपस्टिक जैसे कि आईलाइनर, मस्कारा, ये सब चीज़ें आप इस टाइप की पाउच में रख सकते हो। इससे आपका चीज़ भी अच्छा लगेगा एंड देखने में क्यूट लगेगा। बहुत इसमें बहुत सारी जगह भी रहती है, तो मैं रख के दिखाती हूँ। एक हाथ में वीडियो करना और एक हाथ में रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना प्लीज़। ये देखो, मैं रख के दिखाती हूँ। तो ये हो गई, इतनी सारी चीजें भर चुकी है मैं ये सारी चीजें। इस टाइप की मिरर भी रख लेना, बहुत जरूरत पड़ता है शादी के घर में, क्योंकि वहां पर तो मिलता ही नहीं है कुछ। तो आपका एक जगह में, और आपका एक जगह में ऑर्गेनाइज रहेगा तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख ली है, ये देखो अंदर सारी घुस गई। तो ये सब सारी ऑर्नामेंट्स मैं इसमें ले लूँगी, छोटी सी पन्नी में। मेरी सारी चूड़ियाँ, मैंने और बहुत सारी चीज़ें लाई है, और बाकी चीज़ें हम लोग इसमें ले लेंगे। ये छोटी सी रखते हैं, क्योंकि वो सब भी तो बहुत सारी है ना, तो इससे बड़ी वाली में घुसेगी नहीं वो सारी, तो ऐसे ही रहता है। इतनी सारी चीज़ें देखो, देखो कितनी तरह की रिंग्स। फिर यहाँ पर चूर बैंगल एंड यहाँ पर झुमकी, और इतने सारे चीज़ें सबको मुझे सरियाना होगा। बहना के लिए तो पूरी भर चुकी है ये सारी, कुछ और बाकी भी रह गई पर ये सारी तो भर चुकी है अभी। एक एक्स्ट्रा कंघी आप जरूर ले लेना कॉम।
और ये जो फाउंडेशन की बोतलें, फिर बहुत कुछ की जो क्रीम्स और फिर सनस्क्रीम, ये सब चीज़ों की जो कंटेनर होता है, तो वो सब जैसे दबाव पड़ने से या फिर कुछ फिर जल्दबाजी में गिर कर टूट जाती है, एंड फिर दबाव पड़ने पे क्रैक भी आ जाता है, तो फिर ये सब तो झमेला होता ही रहता है साथ ये सब ओकेजन में। तो इसीलिए आप हर टाइम इस टाइप की छोटे छोटे जो कंटेनर होता है ना, बोरोलिन ये सब बहुत कुछ के, भेसलिन ये सब के जो कंटेनर जो होता है, वो सबको फेंक मत दीजिए। इस तरह के जो फाउंडेशन क्रीम ये सब को थोड़ा थोड़ा करके लेकर आप उसको ले जा सकते हैं एक छोटे से पाउच के अंदर का, एंड इससे आपका जगह भी बच जाएगा और ब्रोकन होने से भी बच जाएगा। चलो मैं यूज़ करके भी दिखा देती हूँ। मैंने थोड़े से लिए थे इसमें, तो इसीलिए है अभी, तो और थोड़े से मैं ले लूँगी। आपको जितना ज़रूरत होगा आप ले लीजिएगा, इस तरह से आप ले लीजिए, एंड ढक्कन को अच्छे से लगा दीजिए। हो गया, काम खत्म। इस तरह से मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें भर ली है छोटे छोटे कंटेनर में। तो मैं तो इस टाइप के बैग्स को ले जाना प्रेफर करूँगी, और एक ट्रॉली और एक छोटा सा बैग जो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस टाइप की बैग्स अच्छी होती है, इसमें बहुत सारी जगह भी रहती है। अब आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे हम लोग कपड़े को फोल्ड करेंगे, और बैकग्राउंड म्यूजिक को प्लीज इग्नोर करना, यहाँ पर ओकेजन चल रहा है, इन लोग का बर्थडे ये सब सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। एंड चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद फिर एक और फोल्ड इस टाइप का, यहाँ पर रिंकल नहीं पड़ना चाहिए, इस टाइप का हम लोग फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से इसको रफ कर दीजिए, एंड फिर इस तरह से इसको यहाँ से ऐसे करके रोल कीजिएगा। रोल करेंगे ना तो ज़्यादा तो जगह लेगा ही नहीं, ऊपर से आपका कपड़ा भी अच्छा से रहेगा। तो इस तरह से हम लोग रोल कर लेंगे, यहाँ पर इधर सारा चीज़ देख लेंगे, कहीं कुछ है नहीं ना। इस तरह से हम लोग रोल कर लेंगे ये इस तरह से, एंड ये हो गया। तो इस तरह से रोल कर लेंगे, तो देखो साइनिस कितनी कम जगह ले रही है ये फ्रॉक, जो इतना ज़्यादा जगह ले रहा था। तो अब इसको बैग के अंदर रख के दिखाती हूँ, ये चला गया बैग के अंदर, ये हो गया। इस तरह से हम लोग ऐसे नहीं, स्क्वायर करके नहीं रखेंगे, हम लोग ऐसे रखेंगे। ऐसे रखने से ना आपका यहाँ भी ये बैग भी पतला लगेगा, ये तो बहुत मोटा लगता है, तो देखने में भी बहुत लगता है कि कितना कुछ भर के ले आई है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। बस हो गया, अभी भी यहाँ पर और भी जगह बाकी है, आप देख ही सकते हो मैंने सब एक साइड करके रखा है, एंड बहुत ही छोटा फोल्ड किया है। जो कपड़ा फोल्ड ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये सब वो सब इस तरह से जा रहे हैं, एंड अभी भी जगह बहुत सारी है, तो अभी भी इतनी सारी साड़ियाँ बाकी है घुसानी। चलो एक एक करके घुसाते हैं, पहले ये जाएगी इधर, पहले बहन का सारा चीज़ पहले घुसा लेते हैं, उसके बाद किसी और का। यहाँ पर हो गया इसका 4 दिनों का कपड़ा, तो इसको थोड़ा सा प्लेन कर देंगे यहाँ से, मेरे इधर मेरा तो हो गया है, मतलब मैं भी ली हूँ बहुत सारा कपड़ा, लेकिन मेरा हो गया है कंप्लीट। तो अब मम्मी की बारी, यहाँ पर मम्मी का, पापा का अलग बैग है, तो अभी भी लेनी बाकी है ये साड़ी, तो इसको मैंने एक और पतला फोल्ड कर दिया, तो इससे ये इतना पतला लग रहा है, एंड ये हो गया। हाँ टूट गया, क्या करूँ, ओह नो। हाँ अब तो ये पिन ही बचा सकता है, जल्दी मम्मी से मार नहीं खाना चाहता, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये रही हमारी सारी पैकिंग्स, तो इतनी सारी बैग हुई है तीनों, मतलब
सो आई होप साइन इज जरूर आप लोगों को। तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना एंड अगर हेल्पफुल भी लगी है तो प्लीज शेयर भी कर देना सबके साथ ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कैसे रखते हैं एंड क्या क्या है ट्रैवल एंड सबके टिप्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताना इन चारों पांचों हैक्स में से आप लोगों को कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड इससे ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना। तो फिर साइन इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।